हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं एक सियरा लियोन का एक हिल स्टेशन है। ये पहाड़ों में चढ़ते चढ़ते क्या एक ज़बरदस्त नज़ारा है। हम लोग चलते गए चलते गए चलते गए, रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था। हम लोग सोचे कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। विनोद भाई बोल रहे हैं ड्राइवर कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग को, देखते हैं। तो देखते देखते हम लोग फ्री टाउन का लगभग टॉप टॉप हिल स्टेशन में पहुँच रहे थे। तो इधर ही चलते चलते हम लोग थोड़ा बीच रास्ते में रुके। नज़ारा बहुत अच्छा ही था, हम लोग सोचा चलो कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं। तो आ गया है इधर एक माउंटेन हाइट पे आ गया है। कितना ऊँचे पानी है वहाँ, नहीं रोका इसमें, वहाँ रोकता नहीं, जो कितना अच्छा लग रहा है हमारा देश। तो ऐसे ही रास्ता में चलते चलते हम लोग को अमेरिकन एम्बेसी देखने को मिला। बोला चलो अमेरिकन एम्बेसी इतना हाइट पे है। एक्चुअली ये जो वेस्ट वाला एरिया है फ्री टाउन का, ये पूरा वीआईपी एरिया है। मतलब इधर जो मिनिस्ट्री है और दूसरा एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, सब इसी एरिया में है सब। Sky.
फाइनली चलते चलते लगभग टॉप हिल स्टेशन तक पहुंचने वाले ही थे। अभी सामने को देख रहा है वो ऑरेंज का 4G का टावर दिख रहा था, तो फिर उधर पहुंच के हम लोग गाड़ी पार्क किए और इतना बारिश हो रहा था, ज़बरदस्त बारिश हो रहा था। उधर बाहर का नज़ारा हम लोग लिए लेकिन उतना अच्छा नहीं ले पाया, कैसे कि अंधेरा सी छाया हुआ था पूरा एकदम चारों तरफ, जैसे इतना अंधेरा सा जैसे लग रहा था, इतना बारिश भी हो रहा था। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा फोटो लिए उधर। और ये एक्चुअली ऑरेंज का 4G का टावर है, ये एकदम हिल का टॉप में लगाया है। अब इधर बिना ची भाग के क्या बोल रहा है, मेरा फोटो ले लो। तो फाइनली हम लोग वहाँ तक पहुँचे और कुछ टाइम रुके वहाँ, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए, इतना बारिश हो रहा था, इतना तेज़ बारिश हो रहा था, तो रुके नहीं। फिर हम लोग सोचे चलो वापस चलते हैं, अब इधर रुक के क्या करेंगे, इतना बारिश हो रहा था, बहुत तेज़ बारिश हो रहा था। तो फिर ऐसे ही फिर हम लोग रिटर्न आने के लिए तैयारी कर रहे थे। We get scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as children while the rain is pouring down the windows and the people push their way. Take me back to my hometown. Take me back to my loved ones. We were kids, now we're all grown. Back in my hometown. Take me back to my hometown. Back to my loved ones. Back to my hometown. ऐसे ही चलते चलते हम लोग वापस रूम का तरफ आ रहे थे। एक्चुअली अच्छा ही लगा, लेकिन ये बारिश का वजह से थोड़ा लगा कि ऐसा टाइम में हम लोग आया, बारिश का वजह से ज़्यादा फ़ोटो खींच नहीं पाया और बाहर थोड़ा घूम नहीं पाया, लेकिन फिर भी अच्छा ही लगा। और सब लोग थोड़ा एंजॉय भी किया गाड़ी के अंदर बैठे बैठे, और बाहर का नज़ारा देखते रहा। एक्चुअली हम लोग देखते तो देखते ही रह गए, हम लोग इतना टॉप से इतना ज़बरदस्त लग रहा था ये नज़ारा, बहुत ही अच्छा लगा। तो वहाँ तक अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो हम बता नहीं सकते, मतलब बातों में हम बोल नहीं सकते, इतना नज़ारा अच्छा था वो टॉप से, ऐसा लग रहा था जो हम लोग आकाश छूने वाला है, इतना ज़बरदस्त लग रहा था। पहाड़ों का साइड से पानी आ रहा था, जबरदस्त बारिश हो रहा था।
तो अभी हम लोग रिटर्न ही आ रहा था, ऐसे ही चलते चलते फिर वही अमेरिकन एम्बेसी वाला रूट पकड़ लिए। बारिश तो कंटिन्यू चल ही रहा था। ये सामने अमेरिकन एम्बेसी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही करते करते हम लोग रिटर्न अपना वापस आने वाला रूट पकड़ लिए। तो ऐसे ही चलते चलते हम लोग पापनी का तरफ लौट रहे थे, और घूम के भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कहीं दूसरा ब्लॉग में।